उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े लोगों का प्रांतीय सम्मेलन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर ने शिरकत की और मदरसा शिक्षा से संबंधित समस्याओं को सुना। मंत्री ओपी राजभर ने आश्वासन दिया कि फाजिल और काबिल डिग्री से जुड़े वेतन और अन्य समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया। कि आज जो बैठक का उद्देश्य लोगों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि मदरसे में बेहतरी के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उस पर सुझाव लोगों से मांगे गए हैं। जो दिक्कत है अल्पसंख्यक समाज को, वो अपनी बीमारी बतावे तो हम अपने जो अधिकारी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, ACS हैं, उसके सचिव हैं, हम उनसे वार्ता करके, हम मुख्यमंत्री से मिल करके उसको निदान कराने का प्रयास करें, क्योंकि विभाग मेरे पास है। नहीं देखिए, मेरा प्रयास, मेरी कोशिश हो रही है कि हम जब से शपथ लिए तब से कह रहा हूँ कि मैं जमीन तलाश रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। जिस तरह UP बोर्ड और CBSE बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड का गठन करके वहीं अटैच करा दिया जाए यूनिवर्सिटी से, और एक रूपता लाई जाए। अगर कामिल और फाजिल की बात आपने की, डिग्री के बाद कहीं उसकी मान्यता नहीं है। अगर वो नौजवान कहीं देश में नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो मान्यता नहीं, तो वो मान्यता कैसे हो, इस पर हम सब लोगों को मिल करके एक नया नियम बना करके, नियमावली तय करके, और उस डिग्री की उपयोगिता हो, ये हम और हमारी सरकार चाहती है। सैलरी भी नहीं आ रही है। सैलरी अगर नहीं आ रही है तो मेरे संज्ञान में बात आती है तो हम तुरंत सैलरी दिलाने का भी काम करते हैं। और जो अब तक नियमावली रही है, उस नियमावली में कहाँ कहाँ कमी है, अब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बुलाए हैं, ये बताएंगे, उस आधार पे हम उसमें काम करेंगे। मंत्री जी, संस्कृत महाविद्यालयों को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जोड़ा जाता है, तो उर्दू के जो मदरसे हैं उनको क्यों नहीं विश्वविद्यालय से जोड़ा जा रहा है? भाई, हम तो कह रहे हैं कि वो नहीं जोड़ रहे हैं, तो हम तो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए तैयार हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुले और पूरे मदरसा जो जितने भी चल रहे हैं हम वही अटैच करना चाहते हैं। काहे को आप परेशान है, थोड़ा धैर्य रखिए, लंबी बीमारी है, चलिए।